नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश आज 10 बजे करेंगे। 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि आज खत्म होने जा रही है और प्रधानमंत्री इसके संभावित विस्तार को लेकर बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्रियों के सुझाव के अनुसार लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह फैसला आज प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाएगा, जिसमें जरूरी सामान की सप्लाई के लिए ट्रक को छूट दिया जाएगा। झारखंड के मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार बारिश के साथ साथ गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में रांची प्रोजेक्ट भवन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कुल 9 प्रस्तावों को स्वीकृति दिया गया। राज्य में लॉकडाउन प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा घोषणा किया जाएगा। पत्रकारों से बात के दौरान मंत्री बादल ने कहा कि पीएम जो घोषणा करेंगे उसे राज्य सरकार मानेगी। झारखंड सरकार 4 लाख प्रवासी मजदूरों और अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को रहने खाने की व्यवस्था की। मजदूरों की सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसके टोल फ्री पर मजदूर सहायता ले सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चिंता जताया है कि यदि सभी मजदूर को घर बुलाया जाए तो एक साथ जांच कर पाना चुनौती होगी, इसलिए सभी मजदूर को जहां है वहीं राहत पहुंचाया जा रहा है। झारखंड में कल 5 नए मामले आने से अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को 5 नए मामलों में से 3 रांची और 1 गिरिडीह सहित 1 बोकारो में पाए गए। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री मदन कुलकर्णी ने की। राज्य के पेंशन धारकों के लिए 3 माह की अनिवार्यता अब खत्म कर दिया गया है। खबरों के अनुसार 30 जून तक कभी भी पेंशन निकाल सकेंगे। उपायुक्त प्रियंका सोनी ने बताया कि पहले सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों द्वारा 3 माह के अंदर कम से कम एक बार बैंक खाते से पैसा निकालना अनिवार्य था। 30 अप्रैल तक चलेगी सेवा भारती की निःशुल्क दाल भात योजना। इस योजना के तहत 30 अप्रैल तक सभी जरूरतमंदों को निःशुल्क दाल भात दिया जाएगा। सेवा भारती के माध्यम से रांची, बोकारो, डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद, खूंटी में भी भोजन कराया जा रहा है। साथ ही सेवा भारती के माध्यम से कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के कच्चा राशन पैकेज भी दिया जा रहा है। गढ़वा जिला के सड़कों पर 10-10 के सैकड़ों नोट फेंके मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। खबरों के अनुसार NH 75 पर गढ़वा के खजूरी गांव में 10-10 के करीब 100 नोट फेंके मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इसकी जानकारी BDO तथा पुलिस इंस्पेक्टर को मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर इकट्ठा भीड़ को हटा दिया गया। मामले की जाँच किया जा रहा है। पलामू जिला के खरवाड़ी गांव में एक कुआं से हिरण को ग्रामीणों ने निकालकर वन विभाग को सौंपा। खबरों के अनुसार सोमवार को हिरण पानी की तलाश में थी। बाबूलाल मरांडी ने सेवादूतों को दोगुना वेतन देने के लिए CM हेमंत को लिखा पत्र। खबरों के अनुसार उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में सभी अपनी जान जोखिम में डालकर अपना सेवा कार्य कर रहे हैं। सेवादूतों की भूमिका काफ़ी बड़ी हो गई है। इन पर अपनी सुरक्षा को दाव पर लगाकर राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को 1 लाइक कर अपने दोस्तों के WhatsApp, Facebook, Instagram पर शेयर करें। साथ ही आप हमें कमेंट में अपना राय भी दे सकते हैं। थैंक यू।